नमस्कार, एसएमई एक्सप्रेस हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इस खास सीरीज के जरिए हम कोविड की इस दूसरी वेव के मुश्किल चुनौतीपूर्ण दौर में स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। सीरीज के दौरान हम प्रमुख एमएसएमई सेंटर्स का जायजा ले रहे हैं, एमएसएमई के सवालों सुझावों को शामिल करते हुए आगे की राह तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। पुणे, फरीदाबाद, आगरा के बाद आज एसएमई एक्सप्रेस हेल्पलाइन में बारी है लुधियाना की। लुधियाना में गारमेंट्स एंड अपैरल्स, साइकिल पार्ट्स, ऑटो पार्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स जैसे क्षेत्रों में एमएसएमईज काम कर रहे हैं। मौजूदा सिनेरियो पर मंथन के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं गुरमीत सिंह कोलार, प्रेसिडेंट फीको। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं अजीत लाका, हेड टेक्सटाइल डिविजन फीको। आप दोनों का शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए एसएमई एक्सप्रेस हेल्पलाइन में। गुरमीत जी, ये बता सकें, एसएमईज पहले ही एक मुश्किल माहौल से निकलने की कोशिश कर रहे थे कि कोविड की इस नई वेव ने छोटे कारोबारियों को संकट में डाल दिया है। लुधियाना में तो बड़ी संख्या में एमएसएमई यूनिट्स मौजूद हैं, मौजूदा माहौल को आप कैसे देख रहे हैं, किस तरह का फीडबैक मिल रहा है आपको इंडस्ट्री से? यहाँ की इंडस्ट्री पूरी बुरी तरह चरमरा गई है। लॉकडाउन के कारण अभी पिछली कोविड वेव जो थी उससे तो अभी बाहर नहीं निकले थी। जो सेकंड वेव ने तो इतना तहलका मचा दिया है कि जो इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो माइक्रो इंडस्ट्री है, वो बंद होने के कगार पे आके खड़ गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इम्पैक्ट आया है कि जो रॉ मटेरियल की शॉर्टेज बहुत आ गई है मेजर लेवल पे, जो रॉ मटेरियल है, स्टील प्राइसेस डबल के करीब हो गए हैं कि आज जो स्टील सीयर स्ट्रिप पाइप जो हम आगे 40 रुपीज पर केजी ले रहे थे, आज वो 82 रुपीज से ऊपर चल रहा है। तो जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल के करीब हो गई है और जो रिटेल है वो अभी बंद पड़ी है ऑल ओवर इंडिया, कम से कम पिछले 20-25 दिन से। तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है। जो एमएसएमई सेक्टर है वो P2P है, वो जो बनाता था वो नेक्स्ट डे अपना सेल कर देता था, तो अभी उसको अपना जो फ्यूचर है बहुत डार्क नजर आ रहा है। जो एमएसएमई है वो अभी इस वक्त इट इज इन ए वेरी डिफिकल्ट और क्रिटिकल सिचुएशन। अजीत जी, काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी देखी जा रही है, जिंदगी और कारोबार दोनों पर खासा असर देखा जा रहा है। एमएसएमई पिछले साल भी वर्स्ट हिट सेगमेंट्स में थे और इस बार भी छोटी इकाइयों के सामने सर्वाइवल को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आप ये बता सकें, आरबीआई ने भी इन कंसर्न्स को समझा है और इसे देखते हुए कुछ राहत देने का प्रयास किया है, आप उसे कैसे देख रहे हैं, किस रूप में देख रहे हैं? मतलब है कि जो चल रही है वेव कोविड की, कोविड के साथ तल्लक रखती जो मैन्युफैक्चरिंग है उनको उन्होंने ज्यादा प्रोत्साहन देने की इच्छा जताई है। लेकिन जब ये काम होता है, ये जो वेव आई है, जो कोविड का इफेक्ट हुआ है, इसमें ये नहीं देखा जाता कि कौन सी लाइन प्रभावित हुई है। कई लाइनें तो बहुत अच्छी चलती हैं, बल्कि मैं समझता हूँ ये जो फार्मास्यूटिकल है या कोविड के साथ रिलेटेड सप्लाईज वाले लोग हैं उनका काम उल्टा बेहतर हो जाता है। कई सेक्टर ऐसे हैं जो बुरी तरह प्रभावित होते हैं, जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया, जैसे ये टेक्सटाइल का है। इवन इस बार तो बाइसिकल इंडस्ट्री जो पहले बहुत ही अच्छी चल रही थी वो भी अफेक्टेड है। मैंने कई यूनिट से बात किया, वो 25% तक सेल रह गई उनकी। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि ये जो आरबीआई जो लेके आई है स्कीम वो सिलेक्टिव सी है, उससे जो सही मायने में प्रभावित यूनिट हैं उनको फायदा नहीं होने वाला। और इनको बाय एंड लार्ज हर सेक्टर में, ये सेक्टर की बात होनी भी, किसी भी सेक्टर में अगर कोई प्रभावित है, और जो बैंक लोन पे काम कर रहे हैं वही नेचुरली ज्यादा प्रभावित होती हैं, जिनका पैसा अपना है उनकी कमाई रुक जाएगी या कमाई कम हो जाएगी, उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। गुरमीत जी, इन मुश्किल परिस्थितियों से निपटने के लिए आरबीआई की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं, जैसे जो एसएमई जिन्होंने पिछले साल लोन्स को रिस्ट्रक्चर नहीं किया था और जिनके जो खाते हैं, स्टैंडर्ड अकाउंट्स हैं, मार्च 2021 तक वो एलिजिबल हैं, आप इस कदम को कैसे देखते हैं? सौरभ जी, वो जो लोन को रिस्ट्रक्चर किया है उसमें हमको जो हमारा ऑलरेडी लोन लिया हुआ है उसको उतारने के लिए हमें और लोन दे दिया, और वो लोन दे दिया जिसके ऊपर इंटरेस्ट लेबिएबल है। तो सर, हमारा डेट तो आगे से बड़ा है ना,
हमारा कम नहीं हुआ, जबकि हमारी फैक्ट्री 3 मंथ्स बिल्कुल नहीं चली, एमएसएमई सेक्टर वाज स्टैग्नेंट, कोई हमारी फैक्ट्री नहीं चली, हमारे ऊपर बैंक का इंटरेस्ट डल गया, हमारे ऊपर लेबर की जो चार्जेस हैं वो डल गए, हमारे को जो पावर है बिजली है उसके चार्जेस, फिक्स चार्जेस और एवरेज चार्जेस, ये सब कुछ डल गया। गुरमीत जी, पिछले साल सरकार की तरफ से कई ऐलान किए गए थे एमएसएमई को राहत देने के लिए, इस बार आप किस प्रकार की उम्मीद कर रहे हैं? केंद्र सरकार जो एमएसएमई सेक्टर है उसको कोई जो स्कीम है, जो कोविड हेल्प इस टाइम में जो हमको चाहिए वो उनको देना चाहिए। जैसे एम्प्लॉइज के लिए पीपीएफ उन्होंने 2 साल के लिए एग्जम्प्ट कर दिया था, तो एटलीस्ट जो एम्प्लॉइज एम्प्लॉयर शेयर है और एम्प्लॉइज शेयर है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ द गवर्नमेंट शुड शेयर। जो ऑलरेडी ईएसआई के अंडर जो एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कंपनी के अंडर इंश्योर्ड है उनको हेल्प करें, अभी ये हेल्प का टाइम है, क्योंकि आज तक जो एम्प्लॉइज हैं उन्होंने एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस को कुछ दिया है, आज तक कुछ लिया नहीं है, तो उनके पास ह्यूज फंड्स पड़े हैं, तो उन्होंने उन फंड्स को क्या करना है, वो फंड्स जो हैं वो जो ये एम्प्लॉइज हैं इनके ऊपर खर्च देने चाहिए, इनकी बेटरमेंट के लिए खर्च देने चाहिए। सर अजीत जी, आप किस तरह का सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट से भी और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी? ईसीएलडीएस स्कीम को इनको दोबारा चला देना चाहिए, ताकि कई लोग जो उस वक्त प्रभावित नहीं हुए अब हुए हैं तो वो उसका फायदा ले सकें। नंबर टू, ईसीएलजीएस में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना बहुत हाई रखा था, एक तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करना चाहिए, जो बैंकों के रेट हैं, बैंकों के अच्छी क्रेडिट रेटिंग वालों के रेट 7-8% तक वेरी करते हैं, तो जो इन्होंने ईसीएलजीएस का रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा था वो 9.5% के करीब रखा था। करंट इमीडिएट इस क्वार्टर के जो जीएसटी की पेमेंट्स हैं या कोई एडवांस टैक्स की पेमेंट्स हैं, इन चीजों को डेफर करना चाहिए, मिनिमम 6 महीने क्वार्टर वाइज करें। चाहे स्टेट गवर्नमेंट के भी स्टैट्यूटरी पेमेंट्स बहुत सारी हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, उसको कुछ नहीं तो क्योंकि इनका स्टेट गवर्नमेंट हर कोई अफोर्ड नहीं करती है, एक एक महीना तो भी डेफर कर ही दें, ताकि एक महीना करेंगे तो अगले महीने को समझ आ जाएगी कि हालात बेहतर हो रहे हैं या खराब हो रहे हैं। कुर्मी जी, बता सकें, रॉ मटेरियल के दामों में काफी ज्यादा तेजी देखी जा रही है, इससे कारोबार करना काफी मुश्किल हो गया है, इस तेजी का आपको क्या कारण लगता है, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ये आ रही है, जे इंडिया में आयरन ओर इतना बनता है और हम इंडिया को छोड़ के वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज बात करें स्टील की, सीआर स्ट्रिप की, जो आज से 1 साल पहले 40 रुपीज रेट था, आज 82 रुपीज है, और मटेरियल मिल नहीं रहा, जिसको 50 टन चाहिए उसको 10 टन मिल रहा है, डिमांड और सप्लाई में गैप क्रिएट करके जो कार्टलाइजेशन है उसने अपना इतना दबदबा बना रहा है, क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट डबल हो गई है। इससे पहले कि हम लुधियाना से जो सवाल आए हैं उन्हें शामिल करें, अजीत साहब, हम आपसे चाहेंगे आप एमएसएमईज को क्या एडवाइस देना चाहेंगे इस समय जब उन्हें खुद को भी बचाना है और दूसरी ओर अपने कारोबार को भी? एमएसएमई जो लोग जितनी भी फैक्ट्री चला रहे हैं, चाहे 25% 30% या 50% चला रहे हैं, एक तो कोविड प्रोटोकॉल्स को स्ट्रांगली एडहियर करें, कि जितने भी वर्कर आते हैं वो गेट पे एक तो चेक किया जाए कि एक उन्होंने मास्क पहना हुआ है और स्टरलाइज करके उनके हाथ सैनिटाइज करके उनको अंदर भेजा जाए, उनका टेम्परेचर देखा जाए। अगर ये हम नहीं देखेंगे, सपोजिंग किसी के पास बंदा काम कर रहा है तो 100 में से सपोजिंग कोई 2-3 पॉजिटिव है तो वो दूसरों को अफेक्ट करेंगे। सबसे पहला मेरा मैसेज टू एमएसएमई है दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ द प्रोटोकॉल्स ऑफ कोविड, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये चीज है कि जितनी प्रोडक्शन वो मैनेज कर सकते हैं फाइनेंशियली एंड एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ द लेबर, उतनी वो मेंटेन करें। अब समय है कि लुधियाना के एमएसएमई के प्रश्नों को हम शामिल करें। पहले सवाल के साथ मौजूद हैं केएस मुंजाल इंडस्ट्रीज से मंजिंदर सिंह सचदेवा जी। मेरा सवाल है कि ये जो स्टील प्राइसेस है, ये स्टील मैन्युफैक्चरर्स सेटल कर रहे हैं बिग
जायंट्स के साथ, और हमको जो परचेज करना पड़ रहा है वो मार्केट से लेके परचेज करना पड़ रहा है जिसमें प्राइसेस का डिफरेंस है। अब बड़ी कंपनीज को ये मालूम भी है कि हालांकि अगर इंक्रीज उन्होंने आपस में अगर जो सेटलमेंट किया कि ठीक है उन्होंने 10 रुपए की सेटलमेंट कर दी कि 10 रुपए की इंक्रीज आई है, लेकिन बाजार में वही इंक्रीज अगर 19-20 रुपए की है तो एक छोटा मैन्युफैक्चरर जो है एमएसएमई सेक्टर का है उसको 20 रुपए ज्यादा दे के 20 रुपए के डेल्टा से मटेरियल मिल रहा है। तो ये जो गैप है ये एमएसएमई इंडस्ट्री कहां से पूरा करेगी, कब पूरा करेगी? गुरमीत जी, सचदेवा साहब इस बात पर जोर दे रहे हैं कि बड़ी कंपनियों को इस समय एसएमईज को सपोर्ट करना चाहिए, आप इनकी बात से सहमत हैं? बिल्कुल मैं सहमत हूं सर। जो बड़ी कंपनीज हैं उनको मटेरियल भी मिल जाता है, उनके जो ऑर्डर्स हैं वो भी सब लोग एग्जीक्यूट करते हैं, पर जो बड़ी इंडस्ट्री है उनको इस वक्त हैंड होल्डिंग करनी चाहिए जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, क्योंकि बड़ी इंडस्ट्री का गुजारा नहीं हो सकता छोटी इंडस्ट्री के बगैर और छोटी इंडस्ट्री का बड़ी इंडस्ट्री के बगैर। हम एक चेन में हैं तो हम इकट्ठे ग्रो कर सकते हैं, तो इस वक्त बड़ी इंडस्ट्री को छोटी इंडस्ट्री के साथ हैंड होल्डिंग करके उनको फुल सपोर्ट करनी चाहिए इन द शेप ऑफ रॉ मटेरियल, इन द शेप ऑफ फंड फ्लो, तो उनको एवरी सपोर्ट देनी चाहिए। अजीत जी, गुरमीत जी भी मान रहे हैं कि बड़ी कंपनियों को इस समय एसएमईज को सपोर्ट करना चाहिए, आप बता सके आखिर सपोर्ट किस तरह किया जा सकता है? डेफिनेटली जो बड़े यूनिट्स हैं, बड़े प्रिंसिपल यूनिट जिनकी वो एंसिलरीज हैं, उनको छोटे यूनिट्स को पूरी तरह सपोर्ट करना चाहिए कि जितनी उनकी पेमेंट्स हैं जो ड्यू हैं वो सारी टाइमली रिलीज करें, प्लस उनके पास स्टोर करने की ताकत भी ज्यादा है, और अगर छोटा यूनिट पहले से कम माल बना रहा है तो वो माल बनके अगर मेन प्रिंसिपल के पास चले जाए तो वो स्टोर करे, तो इसका मतलब है कि ही इज हेल्पिंग दी स्मॉल यूनिट टू सर्वाइव। आपका शुक्रिया सभी पहलुओं पर विस्तार से समझाने के लिए। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस हेल्पलाइन, फिलहाल वक्त ब्रेक का है, हम जल्दी हाजिर होंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस हेल्पलाइन, आज हम बातचीत कर रहे हैं लुधियाना के एमएसएमई से। आइए आगे बढ़ते हैं, आइए अब अगले प्रश्न का रुख करते हैं। राजीव जैन जी का प्रश्न है जो कि सेपको एंटरप्राइजेस से है। हमारे को जो बहुत ज्यादा सताता है वो है बैंक के चार्जेस। हर छोटे उद्योगपति की जो लिमिट्स बनी हुई है उसका जो बैंक का चार्जेस है वो चलता जा रहा है, और हमारी एक सरकार को ये रिक्वेस्ट है कि देखो मॉनिटोरियम इज नॉट एन इशू, जो मॉनिटोरियम नहीं चाहिए हमारे को उसको खत्म करना है, हमारे को नहीं चाहिए। हम कैसे देंगे जब हमारा बिजनेस ही नहीं हुआ, हमारे को इनकम नहीं हुई, तो हम इंटरेस्ट कैसे दे दें? क्योंकि हमने लास्ट बाई भी यही बोला था, अब भी हम यही कह रहे हैं कि हमारा इंटरेस्ट वेव ऑफ किया जाए, मॉनिटोरियम नहीं दिया जाए, हमारे को वेव ऑफ चाहिए। और कुछ कंप्लायंसेस जो होती हैं टाइम टू टाइम जैसे होती है, कोई सेल टैक्स की रिटर्न्स हैं या जो और हमारे एडवांस टैक्सेस हैं और हमारी रिटर्न्स हैं, इसकी जो हमारे को छूट लंबी देनी चाहिए इंडस्ट्री को, ताकि हमारे पास टाइम हो, क्योंकि स्टाफ नहीं आता है, हमारे पास वर्क फ्रॉम होम का सिस्टम जो है छोटी इंडस्ट्री के पास नहीं होता, बड़ी के पास तो हो जाता है, छोटी इंडस्ट्री के पास नहीं हो सकता है। तो हमारे को सरकार को यही रिक्वेस्ट है कि इंडस्ट्री को बचाएं ताकि हम अपना आत्मनिर्भर भारत में हम हिस्सा ले सकें। गुरमीत जी, राजीव साहब कंप्लायंसेस के फ्रंट पर राहत की मांग कर रहे हैं, आप इस मोर्चे पर इन्हें क्या कहेंगे? सर बिल्कुल, कंप्लायंसेस के आधार पे हमको जो गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलनी चाहिए। आप देखो ना कि 3 महीने हम अपनी फैक्ट्री नहीं पहुंच पाए, हमारे को लॉकडाउन लगाया हुआ था, कर्फ्यू था, देर वॉज नो मूवमेंट, हम घर से फैक्ट्री नहीं जा सकते थे, लेकिन बैंक का इंटरेस्ट, पावर के जो फिक्स चार्जेस हैं और प्रॉपर्टी टैक्स है, ऑल टैक्सेस, जीएसटी है, सब कुछ गवर्नमेंट ने लिया। एटलीस्ट जो हमने दिया है गवर्नमेंट उसमें से इतना ही कर दे कि अगर हमने फिक्स चार्जेस 1,00,000 रुपया दिया है स्मॉल स्केल ने, तो गवर्नमेंट 50% उस चार्जेस को सपोर्ट करे। अजीत जी, ये बैंक इंटरेस्ट घटाने या फिर वेव करने की बात भी कह रहे हैं, आपकी राय? इन्होंने हमेशा, बैंकों ने पैसा कमाया है, अगर कुछ पीरियड के लिए इंटरेस्ट रेट डाउन करेंगे तो क्या होगा, इनकी इनकम कम होगी ना,
तो अगर इंडस्ट्री इतना लॉस सह रही है, इतनी प्रॉब्लम फेस कर रही है, तो अगर बैंक भी कुछ परसेंट प्रॉब्लम फेस कर लेगा या शेयर कर लेगा हमारे साथ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। दे शुड कम फॉरवर्ड देमसेल्व्स कि हम आपका एमएसएमई का 2% 3% इंटरेस्ट रेट इस पीरियड के लिए, जब तक कि हालात सुधर नहीं जाते, हम इंटरेस्ट रेट कम करेंगे, हम आपको मॉरेटोरियम देंगे, हम आपके अकाउंट रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे विदाउट एनी डिफॉल्ट। तो ये समझ आता है कि हमारे जो बड़े हैं, बड़े का मतलब होता है कॉर्पोरेट यूनिट्स हो, चाहे बैंकर्स हो, चाहे गवर्नमेंट हो, अगर सब लोग थोड़ी थोड़ी हेल्प करेंगे और कुछ लोग, कुछ हम अपनी एफर्ट खुद करेंगे, तो डेफिनेटली सर्वाइवल विल बिकम इजियर। अजीत जी, ये इलेक्ट्रिसिटी के फिक्स चार्जेस में रिलैक्सेशन की मांग कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? कई यूनिट है, मान लो उनका मिनिमम भी नहीं चल रहा और मिनिमम चार्जेस पड़ रहे हैं, उनको इन दिनों में एट एक्चुअल कंजम्पशन पे ले आना चाहिए रूल को, और शुड दी गवर्नमेंट शुड नॉट चार्ज दी मिनिमम। अगले सवाल के साथ मौजूद हैं हरपाल सिंह भांबेर, भांबेर मैकेनिकल वर्क से। आइए इनका प्रश्न स्क्रीन पर लेते हैं। इनका कहना है, स्टील कीमतों में जबरदस्त इजाफा देखा जा रहा है, इसको रेगुलेट करना जरूरी है। इनका मानना है कि स्टील एक्सपोर्ट्स को लेकर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएं। गुरमीत जी, आप हरपाल जी को क्या कहेंगे? डोमेस्टिक इंडस्ट्री इस मोर्चे पर सपोर्ट की उम्मीद कर रही है। सर बिल्कुल, जो प्राइसेस हैं इस वक्त, जो कार्टलाइजेशन होके एक्सपोर्ट हो रहा है सारा मटेरियल, और जो इंडिया की इंडस्ट्री है उसको जो मटेरियल नहीं दिया जा रहा, तो इसमें इतना जबरदस्त इजाफा हो रहा है कि हर मंथ रेट इंक्रीज हो रहे हैं। तो सबसे पहले इंडिया की जो डिमांड है उसको सप्लाई किया जाए, फिर एक्सपोर्ट के लिए ध्यान दिया जाए। अगर हम बात करें, जो स्टील है वो आयरन ओर है, वो इंडिया में इतना सरप्लस है, तो प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं? क्या 15 दिन में ऐसा काम हो गया कि जो प्राइसेस हैं वो तकरीबन 7 महीने में डबल प्राइस हो गया, और अभी भी वो प्राइस रुक नहीं रहा। आखिरी सवाल के साथ मौजूद है हियानकेन इंडस्ट्रीज से जपनीत सिंह चटवाल। हमारी इंडस्ट्री इस समय बहुत ही एक मुश्किल के दौर से गुजर रही है। ये जो कोरोना की दूसरी लहर टकराई है हमारी इंडस्ट्री से, ये एक आंधी की तरह है, ये एक आंधी की तरह अब सब चपेट में लेती जा रही है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री में जो कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें से कि एक दिक्कत है वर्क फोर्स की। तो मेरी सरकार से ये दरख्वास्त है, एक प्लेटफॉर्म बना करके, जिसमें इंडस्ट्री के एसोसिएशंस को लेकर के वो एक डिसीजन ऐसा बताएं कि हम लोग अपने वर्कफोर्स को गाइड कर सकें कि वो कैसे अपना आगे का रास्ता तय करें। गुरमीत जी, जपनीत जी ने लेबर इश्यूज की बात रखी है, आप हमें बताएं वर्कफोर्स का विश्वास बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री को क्या करना चाहिए और गवर्नमेंट को क्या करना होगा? सर, लास्ट ईयर कोविड में गवर्नमेंट ने फ्री ट्रेन चला के 42 करोड़ रुपीज, जो 42 करोड़ रुपया लेबर के ऊपर खर्च दिया, उनको फ्री उनके विलेजेस में भेज दिया। ठीक है, वहां पर उनको परेशानी आई, उनका कमाने का कोई ढंग नहीं था। तो अभी लेबर में बहुत बड़ा फियर है कि कंप्लीट लॉकडाउन लग जाएगा। तो लेबर को हमने काफी हद तक अपने पास रखा हुआ है, पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो लॉकडाउन लगा के रिटेल बंद कर दी, आज हमको रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा, आज हमारा जो फिनिश प्रोडक्ट है वो मार्केट में बिक नहीं रहा। हाउ वी कैन रिटेन द लेबर, हाउ वी कैन ऑपरेट आवर फैक्ट्रीज। तो उस लेबर को गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। अजीत जी, वर्कफोर्स को तो सपोर्ट करना जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं, पर ऐसे माहौल में जब छोटे कारोबारियों के सामने खुद संकट गहरा गया है, आपको क्या लगता है कैसे इस अहम इशू पर आगे बढ़ना होगा? देखिए, उनका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, लेकिन ये साथ ये भी बिल्कुल सच्चाई है कि अगर एक छोटा यूनिट, सपोजिंग जिसने बैंक लोन भी लिया हुआ है, पिछली बार बैंक लोन्स हैं जो इन्होंने थोड़ा मॉरेटोरियम दिया था गवर्नमेंट ने, उस मॉरेटोरियम का बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट माफ कर दीजिए।
अभी तक बहुत से बैंकों ने इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट जो चार्ज किया था अभी रिफंड नहीं किया। तो इसका मीनिंग ये होता है कि जो यूनिट्स खुद प्रॉब्लम में हैं, तो ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड और एक एथिकल ग्राउंड पे हमें अपनी वर्कफोर्स को सपोर्ट हो। तो मैं पहले ही अभी थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूँ कि हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए ताकि हम अपने लोगों को सपोर्ट कर सकें। लेकिन ये बहुत बड़ी विडंबना है कि अगर सपोजिंग एक एंटरप्रेन्योर खुद ही प्रॉब्लम में है, उसका इच्छा है, मन करता है कि मैं अपनी वर्कफोर्स को कोई मिनिमम 50% 40% 60% सैलरी दूं ताकि उनका रोटी रोजी चले। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि बहुत से यूनिट हैं जिनका 50% देने की भी क्षमता नहीं रहती है। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऐसे यूनिट्स की को कहें कि हमें लिखिए कि कौन सा यूनिट नहीं दे सकता, उनकी बैलेंस शीट देखी जाती है कि उनमें के पास रिजर्व है कि नहीं है, कुछ स्ट्रेंथ है कि नहीं है। जिनकी एक्चुअली ना हो तो गवर्नमेंट सम मिनिमम सपोर्ट फॉर सर्वाइवल वो गवर्नमेंट उनके जो अकाउंट्स खुले हुए हैं उन अकाउंट्स में डाल सकती है डायरेक्ट, कि एंटरप्रेन्योर को देने की जरूरत नहीं है। हमारे से लिस्ट लेंगे कि हमारे 50 लोग हैं जिनको मैं मान लो 2000 देता हूं तो 2000 गवर्नमेंट डाल दे या 3000 डाल दे, सो दैट उनको जो मिनिमम उनका घर का खर्चा है वो चल सके और दिक्कत ना आए। एसएमई एक्सप्रेस हेल्पलाइन में फिलहाल इतना ही। लुधियाना के एमएसएमईज से जो प्रश्न आए हैं उनका उसके लिए शुक्रिया। अजीत साहब आपका धन्यवाद, गुरमीत जी थैंक यू। चलते चलते हम आपसे यही कहना चाहेंगे, वक्त ने इस कदर तजुर्बा दिया है कि आपने हर मुश्किल से लड़ना सीखा है। फिलहाल कुछ लम्हों का ऐसा असर हो गया कि मुश्किल जिंदगी का सफर हो गया। माहौल कई मायनों में चुनौतीपूर्ण तो है, लेकिन आप उम्मीद और हौसले का साथ ना छोड़ें। अगले हफ्ते एसएमई एक्सप्रेस हेल्पलाइन में हम रुख करेंगे एक नए शहर का। फिलहाल नमस्कार।